देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। एक बात तो देखिए आज आपको तय करनी ही पड़ेगी, अगर आपको कुछ करना है तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सिर्फ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते जाना है, और बाकी रास्ता तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, उस मंजिल को तो आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से किसी टेलर के पास जाकर के आप कपड़ों को सिला लेते हैं, उस तरह से आप उसके पास जाकर के कामयाबी नहीं ले सकते हैं कि मुझे इस लंबाई और इस चौड़ाई की कामयाबी चाहिए। ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की कामयाबी चाहिए। ये आपके गोल डिसाइड करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है और आपको कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को करना है। इसका डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, सिर्फ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आज के बेस्ट करेंट अफेयर्स को हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हम लोगों ने इस शानदार क्यूट के साथ अपने दिन की शुरुआत की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने, किस बैंक को अभी एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 ये दिया गया है अभी यस बैंक को। यस बैंक को सम्मानित किया गया है। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अच्छा, हम लोगों ने जब भी बैंक का नाम आता है हम लोग इसकी टैगलाइन डिस्कस किया करते हैं। तो यस बैंक की टैगलाइन क्या है? वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये यस बैंक की टैगलाइन है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सिस बैंक भी लिखा हुआ है, तो एक्सिस बैंक की भी टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। यस बैंक की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, और साथ ही साथ स्टेट बैंक भी यहां पर लिखा हुआ है, इसकी टैगलाइन है विद यू ऑल द वे। तो ये टैगलाइन आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी हाल ही में एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एक्सिस बैंक को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं? तो ये पहुंचे हुए हैं अभी जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मार्शियो मॉक्री, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहां पर सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जिनका नाम है मार्शियो मॉक्री, वो 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हुए हैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनकी अगुवाई की है और अपने दल बल के साथ अभी यहां पर ये पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति जिनका नाम है मार्शियो मॉक्री। अब यहां पर नाम आता है अर्जेंटीना का, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सुबह से अर्जेंटीना की ओर। तो ये रहा बीचों बीच हमारा प्यारा भारत, और यहां से आप वेस्ट साइड पे पश्चिम साइड पे चलते हैं तो सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंटल और इसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल, इसी का एक देश है अर्जेंटीना। जैसे कि यहां पर आप ये देख सकते हैं अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और यहां पर जो करेंसी चलती है वो है पेसो, और राष्ट्रपति तो यही है मार्सियो मैक्री जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो ये आपको अर्जेंटीना के बारे में ध्यान रखना होगा। अर्जेंटीना किन किन देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है ये भी देख सकते हैं आप। ये है चिली, ऊपर आ जाता है बोलीविया, फिर आ जाता है इधर पराग्वे, और चौथा देश है यहाँ पे ये ब्राजील है जिसकी सीमा को टच करता है, और ये देश है एक उरुग्वे। तो इतनी देशों की सीमाओं को टच करता है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का एक देश है अर्जेंटीना, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए आज है 18 फरवरी और आज ही ये अवार्ड दिए जाने हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस अवार्ड को आज देने वाले हैं, और ये देने वाले हैं इन तीनों व्यक्तियों को, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है, राजकुमार सिंहजीत सिंह, छायानाट और रामवंजी सुतार, इन तीनों को ये अवार्ड दिया जाने वाला है। अब यहां पर जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह, इनको दिया जा रहा है सन 2014 के लिए। दूसरा ऑप्शन है छायानाट, इनको दिया जा रहा है 2015 के लिए, और 2016 के लिए दिया जा रहा है रामवंजी सुतार को, यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ दिया जा रहा है ये अवार्ड 14, 15 और 16 के लिए।
तो सबसे पहले नाम है राजकुमार सिंहजीत सिंह का। ये मणिपुर नृत्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ये एक कोरियोग्राफर हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने छायानाट का। तो छायानाट एक बांग्लादेशी संगठन है और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1961 में, और इस संगठन ने बंगाली सांस्कृतिक संगीत और साहित्य में टैगोर के कार्यों का प्रचार प्रसार किया था। इसके लिए अभी इस कार्य जो इन्होंने किया था इसके लिए अभी इन्हें टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ रामवंजी सुतार की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है भारत में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उसका भी अभी इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। मूर्तिकार हैं जो कि, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इनको अभी ये अवार्ड दिया गया है, तीन व्यक्तियों को। अब यहाँ पर बात आती है टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कारों की। तो सबसे पहले इन पुरस्कारों को देना प्रारंभ किया गया था सन 2012 से। 2011 में भारत सरकार ने इसकी संस्तुतियों को प्रस्तुत किया था और ये निर्णय लिया था कि 2012 से इस पुरस्कार को दिया जाएगा। पहली बार ये दिया गया था महान सितार वादक पंडित रविशंकर, जो सितार बजाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। और 2013 में अगले साल ये दिया गया था जुबिन मेहता को। दो बार देने के बाद अब घोषणा की गई है 14, 15 और 16, तीन व्यक्तियों को, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले ऑप्शंस में देखा। इसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी हथकरघा, ये सब चीज़ें उपहार स्वरूप दी जाती हैं। टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार ये जो देना शुरू किया गया था, भारत सरकार ने 2011 ईस्वी में इसका निर्णय लिया था जब टैगोर जी की 150वीं जयंती थी, उस दौरान इसको शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 150वीं जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये विश्व की किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को दिया जाने वाला एक अवार्ड है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत किस देश से की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए, ये अपनी 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की है इन्होंने बुल्गारिया से शुरुआत की है, और ये तीन देशों की यात्रा करेंगी। सबसे पहले ये बुल्गारिया जाएंगी, फिर उसके बाद मोरक्को और फिर उसके बाद स्पेन। तो इस तरह से इसी क्रम में ये तीनों देशों की यात्राओं को करेंगी और 4 दिन तक यात्रा करेंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर बुल्गारिया। तो चलिए आपको मैप में दिखा भी देता हूँ बुल्गारिया कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रही बीचों बीच हमारी इंडिया, और यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हैं तो ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, और यहीं से ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बीचों बीच आप ये देखेंगे, ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तीन देशों के नाम हैं, तो मैं तीनों देशों की आज आपको कैपिटल जरूर ध्यान कराना चाहूँगा। सबसे पहले बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, ओके, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल का एक देश है बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया। फिर उसके बाद ये है मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल है रबट, जैसा कि ये आप देख सकते हैं मोरक्को, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का एक देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, जूम करते हैं यहाँ पर, ये है मोरक्को और मोरक्को की कैपिटल है रबट, ये रही। और इसी के जस्ट ऊपर स्थित है स्पेन, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ये आप देख रहे होंगे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जलसंधि। ये जो जलसंधि है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन कॉन्टिनेंटल के बीच भी संबंध बनाती है। कौन सी जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि, मोरक्को और स्पेन के बीच में। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी अगला चुनाव न लड़ने का फैसला किया है? तो वो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना ने अभी ये निर्णय लिया है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी और जो अगले आने वाली यूथ जेनरेशन को मौका देंगी, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेख हसीना, और इन्होंने ही निर्णय लिया है कि अब युवाओं को मौका दिया जाएगा और ये अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी।
अब इनका जो कार्यकाल है, ये अभी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और अभी कुछ समय पहले ही ये चयनित होकर के प्राइम मिनिस्टर के पद पर आई हुई थी। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो यूथ जेनरेशन होगी उसको मौका दिया जाएगा। तो ये आपको इस फैक्ट को ध्यान रखना होगा। अब यहां पर बांग्लादेश की बात आती है, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां की जो करेंसी है वो है टका। क्या करेंसी है? टका, और कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल्ला हामिद, और प्राइम मिनिस्टर तो यही है शेख हसीना, जिन्होंने अभी ये घोषणा की है कि वो अगला चुनाव अब नहीं लड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने ई वीजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा को कितने देशों के लिए मंजूरी प्रदान की है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें इसका सही उत्तर है 166। भारत ने अभी ई वीजा की स्वीकृति दी है 166 देशों के लिए। अब आप लोगों ने नाम तो सुना होगा वीजा का, लेकिन अब ये ई वीजा क्या होता है? तो देखिए, जो ई वीजा होता है वीजा की तरह ही होता है, लेकिन उसमें आपको एक मैग्नेटिक चिप लगा दी जाती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप जो होती है उसमें आपके सभी रेटिना, सभी फिंगरप्रिंट्स, आपकी बायोमेट्रिक सभी डिटेल्स को एक साथ पेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी वीज़ा को, ई वीज़ा को लेकर के उससे अपना काम कर सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। डिजिटल इंडिया के तहत इस काम को बढ़ावा देने की बात की गई है, और ई वीज़ा भारत ने 166 देशों में अभी स्वीकृति दी है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने गुर्जरों को 5% अतिरिक्त आरक्षण देने की बात की है? तो गुर्जरों को 5% अतिरिक्त आरक्षण देने की बात की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर इसका सही हो जाता है। तो गुर्जरों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया है राजस्थान ने, नाम आता है यहां पर राजस्थान का। तो अब राजस्थान के बारे में भी कुछ चीजें आप जान लीजिए। कल भी हम लोगों ने राजस्थान के बारे में डिस्कस किया था, एरिया वाइज सबसे बड़ा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि इन राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। साथ ही साथ इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कल्याण सिंह, और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा जाएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और इसकी संख्या जब भी बताता हूँ तभी मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जब ये जो आपका स्टेट है, ये जो आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश जिसको कहते हैं, इसकी भी लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने आंसर दिए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आज नाम लिया है आकांक्षा जी का, तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इन्होंने आंसर दिया है कि इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है राजस्थान के पोखरण में, और वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है BS धनोवा। साथ ही मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि बांग्लादेश है जो, वो अपनी सीमाओं को किन किन भारतीय राज्यों के साथ टच करता है? तो ये टच करता है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से ये इन देशों की सीमाओं को टच करता है। और साथ ही साथ SBI की टैगलाइन है विद यू ऑल द वे, और देना बैंक की टैगलाइन है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से कल डिस्कस भी की थी, योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, तो ये देना बैंक की टैगलाइन हो जाती है। फिर उसके बाद हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन था, अमेजन ने किस बैंक के साथ मिलकर के एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए UPI ID जारी करने के लिए अभी समझौता किया? तो ये किया था एक्सिस बैंक के साथ में। एक्सिस बैंक की भी टैगलाइन मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। देना बैंक की एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, और या सॉरी योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये है देना बैंक की टैगलाइन, और वो यस बैंक की है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज।
SBI की मैंने टैगलाइन डिस्कस की थी विद यू ऑल द वे, अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। चीजों को जितनी बार भी रिवीजन कर सकें करिए, आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है आपके सामने, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है। तो अभी ईरानी ट्रॉफी अभी जीत ली है विदर्भ ने। किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध होता है जो वो क्रिकेट से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके विजेता बन गए हैं विदर्भ और इन्होंने शेष भारत को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है, जहाँ से मैं आप लोगों को हमेशा चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो विदर्भ ने अभी इसको जीत लिया है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि रणजी ट्रॉफी का विजेता भी विदर्भ ही है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है और ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, और इन दोनों ट्रॉफी का विजेता है विदर्भ। विदर्भ ने अभी शेष भारत को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता हुआ है। अच्छा, एक फैक्ट आपको और बता दूं मैं, ईरानी ट्रॉफी जो जीता है विदर्भ ने, तो विदर्भ के जो कैप्टन है वो उनका नाम है फैज फैजल, और इन्होंने इस अवार्ड में, मतलब इन्होंने जो ईरानी ट्रॉफी में पुरस्कार के रूप में राशि जीती है, उस सारी की सारी राशि को CRPF का जो अभी हमला हुआ था पुलवामा में, उसके लोगों के लिए अभी पूरी राशि दान में दे दी है। काफी अच्छा इन्होंने काम किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके कैप्टन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका नाम है फैज फैजल। इन्होंने अभी पुलवामा अटैक में जो घायल हुए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन शहीदों को ये पूरी राशि दे दी है अभी। तो ये भी आपको फैक्ट को ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुवाहाटी में संपन्न हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये ध्यान रखिएगा, महिला एकल की बात हो रही है यहां पर। तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को फाइनल में पराजित करके इस अवार्ड को जीत लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, ये चारों प्लेयर बैडमिंटन खेलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है, या ज्वाला गट्टा, साइना नेहवाल, और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये सभी की सभी खिलाड़ी बैडमिंटन खेलती हैं, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी सीनियर जो गुवाहाटी में हुई है, उसका महिला एकल का खिताब साइना नेहवाल ने जीता है। इसी के साथ ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, जो गुवाहाटी में अभी हुआ है ये राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें अभी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये भी आपको बताना है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है अभी लक्ष्य सेन ने, सॉरी सौरभ वर्मा ने, और सौरभ वर्मा ने लक्ष्य सेन को हरा करके इस खिताब को जीता हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं आपको, सौरभ वर्मा, लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणय, ये चारों प्लेयर बैडमिंटन के ही हैं। तो इन चारों प्लेयर के नाम ध्यान रखना है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लेयर कौन सा खेल खेलता है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। और पुरुष एकल सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीता है अभी सौरभ वर्मा ने, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसको हरा करके जीता है, तो ये लक्ष्य सेन को हरा करके जीता है अभी इन्होंने, जैसा कि अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है। स्टार शटलर, अच्छा जो बैडमिंटन खेलते हैं उनको शटलर भी बोला जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो पीवी सिंधु को अभी हराया है साइना नेहवाल ने। और अगर आप मेंस सिंगल की बात करें, तो मेंस सिंगल में सौरभ वर्मा ने हराया है अभी लक्ष्य सेन को, ये फैक्ट अभी हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। मेंस डबल की बात करें अगर, तो ये अभी इन्होंने जीता हुआ है प्रणव, जेरी चोपड़ा एंड चिराग सेट्टी, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ पुरुष एकल और महिला एकल, इन दोनों फैक्ट को सिर्फ ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, भारत सरकार ने चीनी पर कितने रुपए MSP बढ़ाने की संस्तुति की है। तो भारत सरकार ने अभी चीनी पर, किस पर, चीनी पर, सुगर पर अभी 2 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को बढ़ाने का घोषणा किया हुआ है MSP। MSP का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये MSP का फुल फॉर्म है। अच्छा, भारत सरकार ने 2022 तक सभी किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। कब तक लक्ष्य रखा है, तो ये 2022 तक इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है, और इसी की
इसी के अकॉर्डिंग अभी 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है, और ये बढ़ाया गया है 29 रुपए से 2 रुपए बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 रुपए प्रति किलोग्राम अब आप चीनी का रेट देखने को मिलेगा। कहीं पर भी किसान के द्वारा इसकी अगर बिक्री की जाती है तो 31 रुपए की प्रति किलोग्राम से कम नहीं होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसकी व्याख्या है, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी MSP बढ़ाने की घोषणा की गई है। MSP का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये 2 रुपए बढ़ाया गया है, और ये 2 रुपए से बढ़ा करके 31 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। 29 रुपए से 31 रुपए अभी इस शुगर का प्राइस हो गया है। तो ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये था हम लोगों का पूरा डिस्कशन। अब मैं आप लोगों से आज का क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एजिस ग्राहम बेल अवार्ड दिया गया है यस बैंक को, जिसका जिसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, हम मार्सियो मॉकरी है उनका नाम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा। और टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, छायानाट रामवंजी सुतार। साथ ही हम लोगों ने टैगोर के पुरस्कार के बारे में भी कुछ चीज़ें जानी, और ये ध्यान रखिएगा 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया था और 2012 से देना प्रारंभ किया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर 3 देशों की यात्रा पर हैं, बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। प्रधानमंत्री ने अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, उनका नाम है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। आप लोगों ने शानदार तरीके से आंसर दिया, ऐसे ही आंसर देते रहिए और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके लिखा करिए। फिर हम लोगों ने अगला क्वेश्चन देखा, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा को कितने देशों में मंजूरी दी है, तो 166 देशों में, और गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। साथ ही अब हम लोगों ने कुछ आंसर्स भी देखे, और फिर उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट देखे। ईरानी ट्रॉफी अभी जीत लिया है विदर्भ ने, उसके बारे में भी देखा हम लोगों ने, और यही रणजी का भी विजेता रहा है। गुवाहाटी में अभी जो महिला एकल और पुरुष एकल के खिताब जीते हैं, सौरभ वर्मा ने पुरुष एकल में, और महिला एकल में साइना नेहवाल ने जीते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद चीनी पर अभी 2 रुपए की MSP बढ़ाई गई है, और 2 रुपए से बढ़ाने के साथ ही 29 रुपए से 31 रुपए हो गई है अभी। तो अब ये हैं आपके सामने आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन का आंसर तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलता हूं किस सन के लिए, किस व्यक्ति को दिया गया, इन्हें किस सन के लिए, इन्हें किस सन के लिए, और इन्हें किस सन के लिए, यह भी आपको बताना होगा। और साथ ही ये व्यक्ति कौन है, छायानाट कहाँ की संस्था है, किस देश की संस्था है, और रामवंजी सुतार अभी इन्होंने किस देश के सबसे बड़े उसका डिज़ाइन किया था, मूर्ति का डिज़ाइन किया था, ये भी आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इनसे संबंधित बताना होगा। साथ ही अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, ये बताना है, और उस देश के राष्ट्रपति का भी नाम बताइएगा, साथ ही साथ वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी जो चलती है, वो भी आप लोगों को बताना होगा कैपिटल के साथ में। तो इतने क्वेश्चंस आपको बताने होंगे। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, और हम लोगों ने ये जो चेंजमेंट किया है आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। देखिए, आप हो सके तो लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मैं लेक्चर को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ थोड़ा सा संख्या काफ़ी कम हो रही है, इसलिए आप लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक ये लेक्चर नहीं पहुँच रहा है उन लोगों तक पहुँचने लगे। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जब भी समय मिले तो कुछ बच्चों को पढ़ा करके आप हेल्प ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हेल्प ईच अदर, सेव द नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।